हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ग्रेट डिज़ाइनर ऑनलाइन में आपका बार फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सीखेंगे कि हम बटन कैसे लगाते हैं जैकेट में और किस जैकेट में किस कलर के बटन अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जिन्हें अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, कभी आज मैंने काफ़ी वीडियो डाली, लेकिन कोई भी मेरी वीडियो में ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं आई है। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। मैं आपको सिखाऊं, आप मुझसे सीखो और आप दूसरों को सिखाओ। ये नहीं कि आप सीख के अपने तक ही रखो, आप दूसरों को भी सिखाओ ताकि कोई और आगे बढ़े। और किसी मेरी एक वीडियो से किसी को बहुत कुछ होता है। जैसे बहुत से लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि हमें टी शर्ट में ये बताना है, वो बताना है, तो मैं आपको सब बताऊँगा एक एक करके आराम से। जैसे अब किसी मेरे दोस्त ने कहा था कि हम जैसे कभी भी जैकेट में बटन लगाएं तो किस जैकेट में किस तरीके से बटन लगाएं। तो दोस्तों, वो आज मैं आपको इस वीडियो को जरूर दिखाऊंगा। तो जिन्हें अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं कर लिया, आप सब्सक्राइब कर लें। मैं सब्सक्राइब करने आपको इसलिए कहता हूँ ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो जितनी भी आए वो आपको देख सकें और आप उनसे कुछ अच्छा सीख सकें और आप दूसरों को भी बता सकें। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि जैसे ही आप देख सकते हो, हमने प्लेन जैकेट बनाई थी, ये हमने प्लेन जैकेट बनाई है। तो अब हम सोच इसमें हम किस तरीके से बटन लगाएं, कैसे लगाएं, वो आपको हम दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारी प्लेन जैकेट है, इसमें हमने कोई बटन नहीं लगा रखे हैं, अभी सिंपल है ये। तो इसमें किस तरीके के बटन लगाएं ताकि ये और अच्छी लगे। तो इसमें हम देखो कई तरीके के बटन लगा सकते हैं। जैसे कि हम मार्केट से, एक तो हम ये बटन लेके आए हैं, एक तो हम इस टाइप से लगा सकते हैं इसमें, जिसमें काफ़ी अच्छे लगे। जैसे कि आपको दिखा सकता हूँ, मैंने एक बटन ये ले लिए है इसमें लगाने के लिए। एक तो देखो, हम जैसे कि लगा के देख सकते हैं इसमें कैसे लगते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो हम इसमें और भी बटन लगा सकते हैं, जैसे कि हम ये वाले थोड़े पारदर्शी टाइप बटन भी लगा सकते हैं इसको हटा के, अगर हमें ये पसंद नहीं आए। और इसमें थोड़े इस टाइप के बटन भी लगा सकते हैं। जिसमें ये भी मैच कर रहे हैं, अगर आपको ये भी नहीं चाहिए बस में और तरीके के लगा ला सकते हैं बटन। जैसे ये आपको लकड़ी वाले बटन मिलते हैं, इसी बटन आपको आराम से मार्केट में, ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है, 5 या 10 का एक बटन पड़ता है और काफ़ी डिज़ाइनिंग होता है। जैसे कि आप देख सकते हो उसमें काफ़ी डिज़ाइन बना हुआ है, तो हम इसको ये भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसमें काफ़ी भी अच्छा लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इन तीन बटन में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर ये बेस्ट लगेगा तो लगेगा ये हल्का जो सुरमई कलर का है, काफ़ी शाइनिंग मार रहा है, जो काफ़ी जैकेट में काफ़ी अच्छा लुक लाएगा। तो हम इसको ही जैकेट में लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे आप देखिए। ये हमें इन्हें लगाने हैं, 4 फ्रंट में लगाएंगे हम, 2 बाजू में और 2 इसके बद्दियों में तीरेगी। तो ये हमें टोटल चाहिए 8 बटन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चौक ले लेंगे, जहाँ पे हमने काज हुए हुए हैं हम उसी के लेवल में इसको इस तरीके से पकड़ के दोनों सिरों को मिला लेंगे इस तरीके से। पहले हम नीचे से मिला के इसको इस तरीके से, फिर यहाँ से पकड़ के, फिर इसके हम बीच में यहाँ से इस तरीके से निशान लगा देंगे। ताकि हम इसको अच्छी तरीके से लगा दें, फिर हम बाजू में भी ऐसे करेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे, इसको यहाँ पे निशान लगा देंगे। निशान लगा दिया है, अब हम लेंगे एक मोटा सा धागा, जिससे हमारे बटन एक स्किन नहीं लेंगे हम, छोटी सुई जो कि आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी, उसके लिए हम मोटा धागा इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ये बटन हमारा जल्दी नहीं टूटे। हमने धागे को डाल दिया है, अब हम इसको सिंगल में लगाएंगे क्योंकि ये मजबूत धागा होता है, इसलिए ये काफ़ी आराम से टूटता भी नहीं है, काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए हमने इस धागे को सिंगल ही ले लेंगे। उस तरीके से पतली से हम ग्रांट लगा देंगे ताकि हमारा बटन निकले नहीं, और जो हमने निशान लगाए हैं हम उसको इस तरीके से करेंगे, इसके निशान के बीच में सुई डाल देंगे।
बटन की होगी सिरे में डालेंगे। इसको नाप के हमने एक टांका लगा दिया, फिर दूसरी बार भी इस तरीके से सुई डाल देंगे। ताकि हमारी ग्राइंड ना लगे इसलिए हम हल्के हल्के खींचेंगे। इसमें दो या तीन बार, तीन से चार बार सुई घुमा देंगे ताकि हमारे बटन मजबूती से लग जाए। अब हम इसको चार बार हमने घुमा दिया, अब हम इसको यहाँ से इस तरीके से इसको अब यहाँ से हम कट कर देंगे। अब इस तरीके से ही हम दूसरा बटन भी टक कर लेंगे। हमने इसमें बटन लगा लिए हैं, अब हम इसके बाजू में भी बटन लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे वो आपने निशान लगा के देख लिया। इसमें बाजू में भी इस तरीके से जितना भी आपको अपने आस्तीन के हिसाब से फिटिंग करनी है, फिर आप नाप लीजिए अपने हाथ की कलाई को और फोल्ड करके उसके बाद लगा लीजिए, ताकि आपको फिटिंग को चाहिए तो। इसमें भी हम इस तरीके से करेंगे और जब भी सुई चलाएँ ध्यान से चलाएँ। अगर इसकी अगर नोक लग जाती है तो उससे टाइटनेस भी काफ़ी फैल सकता है, तो इसलिए आप कभी भी सुई चलाएं तो देखभाल के आराम से। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो प्लीज़ उसको एंड तक जरूर देखें। इसको भी हम दो से तीन से चार बार राउंड करके घुमा लेंगे। हमने बाजू में लगा दिया, अब हम इसकी यहाँ पे जो तीरा दिख रहा है, तीरे के ऊपर जो हमने पट्टी लगाई थी, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ से हम बीच में डाल देंगे सुई, उसको यहाँ से इस तरीके से ले लेंगे। यहाँ पे हम इस तरीके से ही जैसे हमने नीचे लगाई थी गांठ, इस तरीके से ही हम यहाँ अपना गांठ लगा देंगे ताकि बटन निकले नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हमने बटन लगा लिए अच्छी तरीके से। अगर ये आप मार्केट से काजू मार के लाते हो, अगर ये छोटे हों तो आप इसको इस तरीके से कैंची से लेके जहाँ से भी आपको काटना हो इस तरीके से इसे हल्का हल्का जब आप कट करेंगे ये काफ़ी सही हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो इसमें आराम से बटन आ जाएगा। जैसे छोटा काज ही है तो इसमें आप बटन लगाएंगे तो इसमें बटन नहीं आ पाएगा, तो इसको हम यहाँ से हल्का सा कट कर लेंगे। कभी भी काटें तो इस तरीके से काट देना ताकि जो है इधर से नहीं काटे, वरना हमारा कप बेकार हो जाएगा, इसलिए आगे से काटें। अगर एक्स्ट्रा टागे हैं इसको भी आप आराम से काट सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने एक अच्छे सा बटन लगा के एक बढ़िया सी जैकेट अच्छे से डिज़ाइन कर ली है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।